सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर, आपको पता है कि अभी एग्जामिनेशन आ गया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये जान लेना कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। उसी बीच में मैं आपके लिए सोम का, टोम का, मैकेनिक्स का, फ्लूड का, सबका सेशन और इसके साथ साथ मशीन डिजाइन का, ये पांच सब्जेक्ट का सेशन आपके लिए लेकर आया कि इसके अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये सेशन आपको अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो इस वीडियो को देखने के बाद, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करिए। तो इसी बीच आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मशीन डिजाइन। तो आलोक लाइव मेरा डिस्काउंट कोड है, आलोक लाइव कोड लगाकर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं आलोक लाइव कोड के माध्यम से। नहीं ना, ये सारे बैचेस आए हुए हैं, आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो डियर, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जेई 2022 का पेपर होने में बहुत कम टाइम रह गया है, और उस बीच में रिविजन करना एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है ना? और कुछ बच्चे तो कुछ सब्जेक्ट छोड़कर ही निकल जा रहे हैं, बट मेरा मानना है कि सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए उनको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। क्या पता कि एक पल के लिए, मतलब क्या पता कि एक दिन के अगर आपने किसी सब्जेक्ट के ऊपर टाइम दिया तो क्या पता आपके 3-4 मार्क्स बढ़ जाएं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बस मेहनत किया जा सकता। अपने हाथ में सिर्फ मेहनत है और मेहनत करिए। सो माय डियर, इसी बीच में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ मशीन डिजाइन के अंदर क्या क्या पढ़ें उस पे एक रिलेटेड वीडियो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं मशीन डिजाइन के अंदर क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो उस बीच में मशीन डिजाइन के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगा कि मशीन डिजाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आते तो हैं बट ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हाँ तो सर, इससे कितने बन सकते हैं? बेटे, इससे 6 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना? 6 से 7 क्वेश्चन बन सकता है अगर इससे बना तो, ठीक है ना? बनेगा, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा, बनेगा। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं। वैसे अगर आप देखें तो डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड, फिर आप रिवेटेड वेल्डेड ज्वाइंट, फिर आप इसके अंदर बेल्ट ड्राइव, ब्रेक, बियरिंग, क्लच, गियर डिजाइन, शाफ्ट की कपलिंग, पावर ट्रांसमिशन, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना? तो उसी बीच में जो है ना, मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि आपको अगर मशीन डिजाइन में फोकस करना ही है, ठीक है ना, तो मशीन डिजाइन पर अगर आपको फोकस करना ही है माय डियर, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि यार जो रिलेवेंट टॉपिक है ना उन पे जरूर फोकस करें। तो आइए, चलिए मैं आपको रिलेवेंट टॉपिक पे सीधे लेकर चलता हूँ कि आपको अगर समय कम है तो क्या क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए रिविटेड एंड वेल्डेड ज्वाइंट, ठीक है ना? बहुत ही फेवरेट टॉपिक, बहुत ही फेवरेट टॉपिक, जबरदस्त टॉपिक। तो रिवेटेड एंड वेल्डेड ज्वाइंट की बात करूं माय डियर, तो रिवेटेड एंड वेल्डेड ज्वाइंट के अंदर जो हमारा टॉपिक है रिवेटेड एंड वेल्डेड ज्वाइंट, सुनिएगा ध्यान से, इसके अंदर हमारा पहला जो पार्ट होगा दैट इज आप इसके अंदर एफिशिएंसी जो है, ठीक ना, आपको पहले टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए रिबिट की, और रिबिट का जो आपका टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए डियर। देखो, टर्मिनोलॉजी के अंदर जैसे चेन रिबिट क्या है, जिगजैग रिबिट क्या है, पिच क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, बैक पिच क्या होता है, डायगोनल पिच क्या होता है, ये सारी चीजें। देन इसके बाद आपको सीधे एफिशिएंसी, ठीक है ना, एफिशिएंसी ऑफ रिविटेड ज्वाइंट, एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट आपको ये पता होना चाहिए, ठीक ना? और एफिशिएंसी में जितने भी सियरिंग, क्रशिंग, टियरिंग, ये सब जो एफिशिएंसी, ये सब पढ़ना है, दैट्स इट। फिर इसेंट्रिक लोडिंग का, सर बेटे इसेंट्रिक लोडिंग से आज तक आपके में क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक ना? अगर उसने इंप्रूव किया तो शायद क्वेश्चन बने, अदरवाइज इसेंट्रिक लोडिंग क्वेश्चन तो अभी तक नहीं बना, ठीक है ना? नाउ अगर मैं इसके बाद बात करना चाहूँ वेल्डेड ज्वाइंट की, तो आपको वेल्डेड ज्वाइंट में फिलेट ज्वाइंट, जो पैरेलल फिलेट है, एंड ट्रांसवर्स फिलेट, ठीक है ना,
आपको ये दोनों होना चाहिए, पता होना चाहिए पैरेलल फिलेट और ट्रांसवर्स फिलेट क्या है, आपको इस पे फोकस रखना है, दैट्स इट। तो पहला टॉपिक जो है रिवेटेड एंड वेल्डेड जॉइंट, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मेरा जानना है कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे को लगता है, दैट इज बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव से बहुत क्वेश्चन बनता है माय डियर, ठीक है ना, बेल्ट ड्राइव से बहुत क्वेश्चन बनता है माय डियर। बेल्ट ड्राइव में क्या क्या पढ़ना है सर? सबसे पहला आपको लेंथ पढ़ लेना है, लेंथ ऑफ, बेटे ये फ्लैट बेल्ट ड्राइव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले फ्लैट बेल्ट ड्राइव, फ्लैट बेल्ट ड्राइव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हम बस यही कहेंगे, अगर आप पढ़ सकते हैं तो मैं फ्लैट बेल्ट ड्राइव की बात कर रहा हूं। लेंथ ऑफ बेल्ट ड्राइव आपको पता होना चाहिए, एंगल पता होने चाहिए, एंगल कौन कौन से सर, रैप एंगल, ठीक है ना, एंगल ऑफ लैप कह दो या रैप कह दो, वही एंगल, ठीक है ना, आपको लेंथ पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए और टी वन टी टू का रिलेशन, ठीक है ना, फिर पावर, मतलब आपको ये बेसिक चीजें पता है ना तो आपका काम आसान है, कि पावर कैसे निकालते हैं, टी वन टी टू का रिलेशन क्या होता है, एंगल ऑफ लैप क्या होता है, कैसे देखते हैं, लेंथ ऑफ बेल्ट क्या है, आपको देखो कैसे काम होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बेल्ट ड्राइव में सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रीप एंड स्लिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रीप ऑफ बेल्ट एंड स्लिप, ये बेल्ट ड्राइव का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सब तो क्वेश्चन वाले टॉपिक हो गए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बन सकता है, क्रीप और स्लिप ये बहुत है, मतलब आप कह लो कि बेल्ट ड्राइव से जितने क्वेश्चन बने ना उतने आज तक आपके किसी और टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बने होंगे। उसके बाद अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट तो रिवेटेड जॉइंट है, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल्ट ड्राइव है, ठीक है ना, आप देख सकते हो इसको, नोट कर सकते हो, ओके। देन इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज बियरिंग। सर बियरिंग के अंदर क्या क्या करें, ठीक है ना, अब बियरिंग के अंदर क्या क्या करें सर? देखो यार, बियरिंग के अंदर ना लोड लाइफ रिलेशन ये पढ़ लेना, फिर उसके बाद अपना एप्लीकेशन, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ बियरिंग, मतलब कौन से बियरिंग कहां इस्तेमाल करते हैं, फिर हाइड्रोडायनामिक, हाइड्रोस्टैटिक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और एक लास्ट सोमरफेल्ड नंबर, ठीक ना, मतलब बियरिंग के अंदर भी आपको इतना ही सब चीज देखना है, ठीक ना। एप्लीकेशन में बेटे आपको सारा एप्लीकेशन, मतलब मतलब रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग और आपका स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग, इन सब के आपको एप्लीकेशंस देखने हैं, ठीक है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज बियरिंग वाला हिस्सा, ठीक ना। बियरिंग के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो दो चीजें और बोलूंगा बस, एक है क्लच। यार क्लच में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना, किसका, यूपीटी का और यूडब्ल्यूटी का, आपका काम आसान है। अगर क्लच में आपने इतना ही पढ़ लिया ना, आपका काम हो गया, आप समझ लो। देन उसके बाद गियर डिजाइन, इससे क्वेश्चन तो लास्ट ईयर भी आया था। देखो गियर डिजाइन में दो टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या, एक आपको ना कोशिश करना है गियर डिजाइन में जो आपका फोर्स का एनालिसिस है ना, जो मैं पढ़ाता भी हूं, फोर्स एनालिसिस, ठीक है ना, कि ये फोर्स ऐसे आया तो इसका कॉस थीटा, इसका साइन थीटा, तो एक्सियल फोर्स, रेडियल फोर्स, ठीक है ना, कौन सा कंपोनेंट होगा, वो बस छोटा सा टॉपिक। देन इसके बाद एक टॉपिक है बीम स्ट्रेंथ, बस जब डिजाइन करते हैं ना सबसे पहला टॉपिक आता है बीम स्ट्रेंथ। गियर डिजाइन में अगर आपने ये दो टॉपिक कर लिया तो काम हो गया। बीम स्ट्रेंथ के अंदर बेटे आपको लुईस फॉर्म फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान से, लुईस फॉर्म फैक्टर कैसे लगता है, कहां लगता है, वो सारी चीजें, हम किस चीज को डिजाइन करते हैं, जो बेसिक रूल है गियर डिजाइन का, गियर डिजाइन का एक बेसिक रूल है,
ठीक है ना, कि सिमिलर होगा तो क्या होगा, डिसिमिलर होगा तो क्या होगा, तो ये बेसिक रूल्स हैं ठीक है ना। अगर आपको ये सब चाहिए तो एक बार मेरे को मैसेज कर देना, अगर आपको इसका नोट्स वगैरह चाहिए तो ठीक है ना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। सो आई होप कि आपका रिवेटेड एंड वेल्डेड ज्वाइंट, बेल्ट ड्राइव, बियरिंग, क्लच, गियर डिजाइन, इतना अगर आपने कर लिया ना तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी। क्योंकि देखो, आ तो सकता है शाफ्ट की कपलिंग से, आ सकता है पावर स्क्रू से, ठीक है ना, आ सकता है आपका मतलब आपका ब्रेक से भी आ सकता है, एस एन कर्व से भी आ सकता है, आने को तो कहीं से भी आ सकता है। बट दिस वन इज वॉट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। अभी आने को तो बेटे और भी टॉपिक्स हैं, जैसे डिजाइन ऑफ फ्लक्चुएटिंग लोड में आपको एस एन कर्व आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, आपको नोच सेंसिटिविटी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। डिजाइन ऑफ फ्लक्चुएटिंग में, डिजाइन ऑफ फ्लक्चुएटिंग लोड में, एस एन कर्व और आपको नोच सेंसिटिविटी पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। वैसे भाई दिस इज नॉट अ मोर इंपॉर्टेंट, बट यहां तक सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो कोशिश ये करनी है कि आपको सबसे पहले मशीन डिजाइन करने के लिए, मशीन डिजाइन नॉट अ वेरी फास्ट सब्जेक्ट, जो इतना बड़ा सब्जेक्ट भी नहीं है, आपको एक बार ना अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है ना। मशीन डिजाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके बन जा रहे हैं आपके इन सब टॉपिक को पढ़ने के बाद, तो आप मान लीजिए आपका काम हो गया है, मशीन डिजाइन में काम लायक हो गया है। अच्छा, ये जो मैं लेकर आया, ये जितने भी सब्जेक्ट का, उसका रीजन क्या था? उसके पीछे का एक ही रीजन था कि आप हर एक सब्जेक्ट को करीबन 8 से 10 बार रिवीजन करो। और ये वो सब्जेक्ट हैं जो प्राइम सब्जेक्ट हैं जिनको कहते हैं, वो प्राइम सब्जेक्ट का अगर आपने एक बार पढ़ाई कर लिया, आपका काम आसान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने इन प्राइम सब्जेक्ट की तैयारी कर ली, अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया, तो आप धुआं धुआं कर दोगे टॉपिक्स के। तो कृपया ध्यान से उस तरीके से पढ़ाई करें, ठीक है। और नोट्स वगैरह के लिए आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे पर्सनली भी मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई हो। आप एक बार सेशन को, सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को एक बार लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना डियर। यहाँ हमारे पास कई टाइप के बैचेस हैं, अगर हमारे साथ प्लस पे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा कोड है आलोक लाइव, आप आलोक लाइव कोड लगाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये जितने भी ऑफर्स आते रहते हैं, ये सब डिस्काउंट कोड आलोक लाइव के लिए वैलिड है, ठीक है। तो डीआरडीओ सेप्टम का बैच चल रहा है हमारा, एसएससी का, सिविल का, मैकेनिकल का, मैकेनिकल में आप मुझे यहाँ देख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही आपको इलेक्ट्रिकल का भी दिख रहा है। सो डियर, अगर आपको कोई भी प्लान लेना हो 6 महीने 12 महीने 24 महीने का, तो यूज कोड आलोक लाइव, जो भी परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट चल रहा होगा आपको सब मिलेगा। सो यू कैन सी दिस, यूज द कोड दैट इज आलोक लाइव, ठीक है ना। और आलोक लाइव कोड लगाकर आप टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज को, रियल टाइम फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपका चलेगा, ठीक ना। यूपीपीसीएल का भी चल रहा है, अनअकैडमी लाइट टेस्ट सीरीज है, अनअकैडमी लाइट का एक आ रहा होगा, एक प्लस का आ रहा होगा। तो लाइट इज ए टेस्ट सीरीज, लाइट क्या एक टेस्ट सीरीज है, तो आप वहां भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें, ठीक ना, तो ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके। आलोक लाइव हमारा टेलीग्राम चैनल है, आलोक लाइव टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये इनिशिएटिव सिर्फ आपके लिए है, आशा करता हूँ ये मेहनत आपको अच्छी लगी हो, ठीक है ना। एक बार यार फटाफट सेशन को शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब अच्छा लगा हो, ठीक है। सो ठीक है गाइस, तो जितने भी लोग अभी नए इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैंने FM, सोम, टोम, मैकेनिक्स, MD, इन सब के बारे में बताया है, सब पे वीडियो बनाया है कि आपको क्या, कब और कैसे पढ़ना चाहिए। तो कोशिश यही करिए कि आप इन सभी को देखिए, ध्यान दीजिए,
ठीक है ना। आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो अगर आपको मिली नहीं है तो आप एक बार ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो हो सकता है आने वाली हो, ठीक है ना, या तो आ चुकी हो। तो मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए। सो इसी तरह हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय, तब तक ले सभी को जय हिंद, जय भारत।